हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉग लॉरी। आई एम रश्मि शर्मा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कि कन्फेशन कब रेलिवेंट माना जाता है। ये जो टॉपिक है ये सेक्शन 27, 28 एंड 29 को कवर करता है, ठीक है। और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो कन्फेशन है वो कब इरेलीवेंट माना जाता है, ठीक है। सो गाइज, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कन्फेशन की रेलिवेंसी। सेक्शन 27, सबसे पहले सेक्शन 27 में क्या बात की गई है। सपोज करो एक अक्यूज पर्सन है, ठीक है, वो पुलिस की कस्टडी में है और वो पुलिस के सामने ये बयान दे रहा है, ये स्टेटमेंट दे रहा है कि सर मैं कन्फेस करता हूँ कि मैंने उस पर्सन का नाइफ से थ्रोट को कट किया था, गले को मैंने काटा था नाइफ से, ठीक है। और जो नाइफ है वो मैंने किसी भी क्लोथ के नीचे या फिर पिलो के नीचे छुपाया है, ठीक है। अब आप देखिए कि पुलिस के सामने, पुलिस कस्टडी में अगर उसने कोई स्टेटमेंट किया है तो वो सेक्शन 25 एंड 26 के अकॉर्डिंग इररेलीवेंट है, ठीक है, कन्फेशन इररेलीवेंट है। बट एट द सेम टाइम जब उसने बोला कि जो नाइफ है वो अंडर द क्लोथ है या फिर अंडर द पिलो है, छुपाया हुआ है मैंने, हाइड कर रखा है मैंने, तो यहाँ पे देखिए जब पुलिस ऑफिसर उस जगह पे जाता है जहाँ पे नाइफ छुपाया गया और उस क्लोथ को और पीलो को हटाता है और वहाँ पे अगर नाइफ मिलता है तो आप समझिए कि सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग एक फैक्ट डिस्कवर हुआ है, ठीक है, एक फैक्ट डिस्कवर हुआ है। फैक्ट क्या डिस्कवर हुआ है? हमको नाइफ मिला है, ठीक है। इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन के कॉन्सिक्वेंसेज में जो कि पुलिस कस्टडी में, जो कि पीसी मतलब पुलिस कस्टडी में उस अक्यूज पर्सन ने, एपी मतलब अक्यूज पर्सन से रिसीव हुआ है, ठीक है। तो सो मच ऑफ सच इन्फॉर्मेशन, मतलब जितना उसने बताया कि मैंने वो अंडर द क्लोथ हाइड किया है, दैट मच स्टेटमेंट इज ओनली रेलिवेंट एज पर सेक्शन 27। इफ ही सेज दैट आई कट द थ्रोट विद द नाइफ, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट, दिस स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट। बट इफ ही से, इफ ही हिज सेकेंड स्टेटमेंट इज दैट ही हाइड दैट नाइफ अंडर द क्लोथ, then this statement is relevant as per section 27 because such statement is made in a police custody and any fact is discovered in pursuance of any information received from accused person, ठीक है, it may amount to confession or not, ठीक है, हो भी सकता है कन्फेशन और नो भी नहीं भी सकता, ठीक है। और जो सेक्शन 27 है इसमें जो भी स्टेटमेंट अगर अक्यूज करता है और उससे कोई फैक्ट डिस्कवर होता है, उससे कोई चीज़ मिलती है, ठीक है, तो वो होते हैं डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स या कस्टोडियल स्टेटमेंट्स भी हम इन्हें बोलते हैं, क्योंकि ये पुलिस कस्टडी में किए जाते हैं इसलिए हम इन्हें कस्टोडियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट केस है देवमन उपाध्याय वर्सेज स्टेट 1956 का केस। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो सेक्शन 27 है ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वॉयलेशन नहीं करता, ठीक है, इसके वॉयलेटिव नहीं है because it is not against the self-incrimination, ठीक है, self-incrimination यहाँ पर नहीं हो रहा क्योंकि हमें यहाँ पर एक fact मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको example समझाया तो आपको, मुझे लगता है कि आपको 27 section है वो clear होगा। Next हम बात करते हैं section 28 की। देखिए section 28 में क्या होता है कि अगर मान लो inducement threat promise, ITP means inducement threat promise से अगर confession किया गया जो कि section 24 के according irrelevant होता है, कि अगर इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस से किसी पर्सन से कन्फेशन निकलवाया गया है तो वो कन्फेशन एज पर सेक्शन 24 कंसिडर्ड इररेलीवेंट, ठीक है। बट अगर मान लीजिए वो इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस है वो बाय लेप्स ऑफ टाइम, कि टाइम के साथ गुजरने के साथ ही वो जो इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस है वो रिमूव हो गया या फिर कोई भी सुपीरियर पर्सन ने इंटरवेन किया, ठीक है, और उस कारण से वो जो इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस है उसका जो इफेक्ट है उस अक्यूज पर्सन पे वो अब नहीं रहा, वो रिमूव हो चुका है, इन दैट केस द कन्फेशन बिकम रेलिवेंट, ठीक है, तो उस केस में कन्फेशन रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 29 की। सेक्शन 29 बात करता है कि जो कन्फेशन है अगर वो अदरवाइज रेलिवेंट है तो वो इररेलीवेंट नहीं होंगे, कि अपन ने, हमने वो जो कन्फेशन है वो अंडर द प्रोमिस ऑफ सीक्रेसी में लिया है। अगर एक पर्सन अक्यूज पर्सन को बोलता है कि अगर तूने
मेरे सामने कन्फेशन किया तो सच में मैं तेरी जो भी तू कन्फेस कर रहा है वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसने एक प्रॉमिस कर दी उस पर्सन ने, और फिर वो पर्सन जाकर उस प्रॉमिस को तोड़ता है और पुलिस ऑफिसर को या फिर कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने बोलता है कि भाई इस पर्सन ने मेरे सामने एक्सेप्ट किया था कि इसने इस पर्सन को मारा है, किसी पर्सन को मारा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी है उसके कारण ये जो कन्फेशन है इररेलीवेंट नहीं बनेगा। ठीक है, सेक्शन 29 में जनरली हम बात करते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की। ठीक है, जुडिशियल कन्फेशन सेक्शन 29 में कवर नहीं होता, हम यहाँ बात करते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की, जो कि किया जाता है अदर देन मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट। ठीक है, जब कन्फेशन अदर देन कोर्ट मजिस्ट्रेट और जज के सामने किया जाता है देन दैट कन्फेशन इज कंसिडर्ड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे हम क्या क्या पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं कि अगर कन्फेशन जो है वो अक्यूज पर डिसेप्शन प्रैक्टिसाइज करके किया जा रहा है, ठीक है, थर्ड उस टाइम किया जा रहा है, उस टाइम उस पर्सन को हम कन्फेस करने के लिए बोल रहे हैं जब वो पर्सन ड्रंक है, मतलब इंटॉक्सिकेटेड है। ठीक है, और फोर्थ है कि हम उस क्वेश्चन के आंसर में उससे कन्फेशन लेना चाह रहे हैं जिसे उसका आंसर करने की उसको नीड नहीं है उस क्वेश्चन का आंसर करने की। ठीक है, एंड लास्ट वन कि हमने उसको ये वार्निंग किया कि भाई तुझे कन्फेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने उसको वार्निंग नहीं दी। ठीक है, और हम उससे कन्फेशन ले लेते हैं, तो इस केस में भी कन्फेशन इररेलीवेंट कंसिडर नहीं होगा, मतलब यहाँ पे कन्फेशन को रेलिवेंट माना जाएगा। ठीक है गाइज, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हेन कन्फेशन इज कंसिडर रेलिवेंट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। सो गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो please like, share and subscribe, and thank you for watching.